हाँ जी दोस्तों नमस्कार, सब एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंच के ऊपर। लो जी दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आप भाइयों के सामने कि तूड़ी वाली गाठे यहाँ पे बन रही हैं जी हमारे मंडी डबवाली के पास में। और आइए आज भाई साहब का परिचय लेते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, एक तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सर अमरीक पाल है। ठीक है जी। गाँव पथराला और यहीं के रहने वाले हैं, निवासी हैं, जिला बठिंडा पंजाब से हैं। ठीक है जी। ये अपना बठिंडा रोड पे पड़ता है जी। बठिंडा से डबवाली रोड पे पड़ता है। ठीक है। नजदीक गांव कौन सा पड़ता है? गांव नजदीक डूम वाली गांव है। डूम वाली गांव। ठीक है जी। वैसे अपने ये कितने टाइम से काम है? अपना सर ये 5 साल से कर रहे हैं। ठीक है। 5-6 साल से कर रहे हैं। 5-6 साल से। ठीक है। तो स्पेशल आप ये गेहूं की तूड़ी का ही काम करते हैं या कुछ और भी रहता है? जैसे ये गेहूं की तूड़ी को गांठे बांधते हैं। अच्छा जी। कई बार धान की पराल की गांठे भी बांध देते हैं, जैसे बड़ी गांठ बांध के दूर बेचनी हो। ठीक है। बांधते हैं। ये तो प्रॉपर काम है पूरा साल, ये तो बांधते ही बांधते। गेहूं की भूसे का ही काम है। ठीक है जी। ठीक है। ये जो गांठे आप देख पा रहे हैं ये इसका वजन कितना रहेगा सर? ये 1.5 क्विंटल वाली है। क्या साइज रहता है इसका? साइज है सर इसका 4 फीट ऐसे, 4 फीट है ये। 4 फीट। ठीक है। इस तरह से 20 इंच है। 20 इंच ऐसे 27 इंच है। 27 इंच, 27, 20 और 4 फीट। ठीक है। 2 क्विंटल का वजन रहेगा? नहीं इसका 1.5 क्विंटल का। 1.5 क्विंटल। अच्छा। थोड़ा अगर बड़ी बनानी हो तो 2.5 क्विंटल की बन जाती है। अपने पास कितने कितने क्विंटल वाली बन जाती है? हम सर यहाँ पे 1 क्विंटल से लेकर 3.5 क्विंटल तक गांठे बनाते हैं। 1 क्विंटल से 3.5 क्विंटल का गैप रहता है बीच में। अच्छा। 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, जहाँ 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2.5 क्विंटल, 3.5 क्विंटल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैंने आपकी जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें कैसा रिस्पांस रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत भाइयों ने फोन किए, उनके फोन करने से मतलब अच्छा काम भी अच्छा निकला है। आपने कौन कौन सी स्टेट में भेजा गाड़ी? सर अपना ऑल इंडिया ही जा रहा है माल। ठीक है। पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में कोई स्टेट छोड़ा ही नहीं है बस। किसी को केरल तमिलनाडु तक भी चाहिए, उड़ीसा आंध्र सब जगह की प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का प्रबंध भी है हमारे पास। ठीक है। वो भी सब मिलती है, सब जगह जा रहा है। ठीक है। जिस तरह की जो गाड़ी लगी हुई है सामने, इसमें लगभग कितना टन माल चला जाएगा? ये सर 6 चक्का गाड़ी है। 6 चक्का। इसमें 11 से 11.5 टन तक, 10.5 से मतलब 11.5 टन तक आया। 11.5 टन। ठीक है। और जो बड़ी गाड़ी होती है घोड़े वाली, उसमें कितना जाता है? सर चला जाता है जैसे 22 टन। 22 टन। ठीक है। आइए एक बार पीछे भी देख लेते हैं एक बार। लो जी दोस्तों आप देख सकते हैं जी किस तरह से लोडिंग हो रही है यहाँ पे। ये लोडर है, ट्रैक्टर वाला लोडर, और इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग होती है। बच्चा इसमें जैसे प्रॉपर इसकी अब पैकिंग भी करोगे आप ऊपर से, जैसे बरसात वगैरह ना आए? इसमें पूरी तरपाल वरपाल ढक के फिर जाएगा, ये पैक हो जाएगी गाड़ी पूरी। लगभग जैसे इस तरह की गाड़ी में कितनी गाठियाँ जाती हैं सर? ऐसे 1 क्विंटल वाली गांठे लोड हो रही है इसमें। 1 क्विंटल गांठ। ठीक है। इसमें 110 गांठे आ जाएंगे। 110 गांठे। ठीक है। क्या क्या फायदा रहता है इस तरह की गांठे बनवाने में? जो एक तो खुली तूड़ी जैसे जो सामने देख पा रहे हैं इस तरह खुली, पता है क्या? जैसे मेन जो हाईवे है ना, बड़े रोड है जो, हाँ, बड़े रोड पे जैसे इतनी बड़ी बड़ी ट्रालियां बना रखी हैं जो 25-25 टन माल लेके जाती हैं। ठीक है जी। पूरा रास्ता वो जाम कर देती है। ठीक है। चलो हमारे पास तो जहाँ पे छोटी छोटी ट्रालियां आती हैं उनसे गुजारा होता है, जो बड़े हाईवे पे चलती है उसको हमने सेटिंग करने के लिए इसको बांधा है, ये मशीनें तैयार करवाई हैं। ठीक है। और इसमें हम इसको इकट्ठा करके गाड़ी के अंदर ही डाल देते हैं, जितना ये गाड़ी के बाहर फैलता है उतना गाड़ी के अंदर चला जाता है ये। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ये एक हल्की चीज होती है जो इसको अगर गाड़ी में खुला भरेंगे तो कुछ भी वजन नहीं आता, और ज्यादा वजन डालने के लिए गाड़ी को फिर बहुत ज्यादा भरना पड़ता है, फैल जाती है गाड़ी। ठीक है। चारों तरफ। दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें स्टोरेज की दिक्कत नहीं आएगी? वो दिक्कत नहीं। जैसे कहीं पे जैसे किसी ने अपना मंगवाना हो भूसा तो ये अभी जैसे लेबर कम पड़ेगी, लेबर की भी है, फिर ये इसके मतलब जो वेस्टेज होती है वो नहीं होगी, वेस्टेज कम पड़ेगी इसकी। फिर ये स्टोरेज के लिए भी जहाँ पे रख दी, बारिश में चाहे ये भीग जाए तो ये ऊपर से एक एक अंगली भीगती है, अंदर पानी नहीं जाता इसके। ठीक है। अच्छा, जो आप ये जितनी गाठे बन रही हैं तो इसमें मिट्टी वगैरह ना आए उसी आप क्या छोटी लेते हो? सर मिट्टी वगैरह ना आए तो थोड़ी बहुत जैसे मिट्टी चली जाती है, उधर थोड़ी बहुत जैसे मिट्टी चली जाती है। ठीक है। इसके लिए हमने ये कन्वेयर बेल्ट लगाया है, इसके नीचे छन्नियां लगाई है जो मिट्टी और धूड़ वहीं पे निकल जाती है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ये जो नीचे जितना भी डस्ट देख रहे हैं ये बारीक कचरा जो होता है वो बहुत बारीक मिट्टी है वो निकल जाती है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे सामने चल रही है कन्वेयर बेल्ट और सारी धूल मिट्टी सब गिर रही है नीचे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका जैसे कि ये जब यूज करनी हो तो खुलेगी तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी सर? इसको तीखी चीज से काट दो पत्ती को। ठीक है। ये अपने आप खुल के
दोबारा वैसी हो जाएगी जैसे पहले भूसा दौर में, वो वैसी हो जाएगी, ऐसे रहेगा ना। ये बिल्कुल सूखा ही बांध सकते हैं सर इसको, अगर थोड़ी सी भी इसमें नमी है ना और हमने इसको बांध दिया ठीक है, तो ये अंदर से हीट हो जाएगी, फिर ज्यादा टाइम नहीं रहती। ऐसे सूखी बांधी है तो चाहे इसको 2 साल रखे रखो ठीक है, 2 साल के बाद भी अगर आप इसको खोलोगे तो ये वैसी ही निकलेगी जैसे। इस तरह की गाठों का मैक्सिमम लाइफ क्या है? जितने साल मर्जी रखो सर इसको, कोई खराब हमारे पास 4-4 साल पुरानी भी हमने तजर्बे के लिए रखी हुई है ठीक है, कोई खराब नहीं होती, कुछ भी नहीं हुआ, वो खोल के देखते रहते हैं ठीक है। बहुत बढ़िया। ये कितने की? ये भी वही, ये तो वही 1.5 क्विंटल वाला, 1.5 क्विंटल वाला, ज्यादा 1.5 क्विंटल वाला ही सही रहता है, 1 क्विंटल वाला और 1.5 क्विंटल वाला। कितने आदमी इसको मिलकर उठा लेते हैं? मशीन ही उठाती है सर इसको, जैसे जैसे ये वो लुटका के लेके जा रहा था, लुटका के तो इसको एक आदमी कहीं पे भी ले जाए। अच्छा, ज्यादा कर कितने क्विंटल की गाठे की डिमांड आ रही है? ज्यादातर सर 1 क्विंटल और 1.5 क्विंटल वाली की, 1 और 1.5 की, क्योंकि एक तो हैंडलिंग इजी है, 1 क्विंटल वाली की हैंडलिंग इससे भी अच्छी है, तो उसमें थोड़ा गाड़ी में वेट कम हो जाता है। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ जैसे इस तरह की आप ये तिरपाल भी लगा रहे हो इसमें, ये तो ऐसी ना पता है, ये तो अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं, क्योंकि मशीन में जब ये बनती है ना, हाँ, अगर इसके नीचे ये नहीं रखते तो वो मशीन की जिरियों में जो भूसा फंस जाता है, अच्छा, लेबर को साफ करना पड़ता है ठीक है, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अच्छा, ये तो ऐसी बस मशीन की सेफ्टी के लिए लगता है ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जैसे आप जो ट्रांसपोर्टेशन है वो खुद ही करते, खुद की अपना ट्रांसपोर्ट आपका जैसे गाड़ियाँ? पास खुद की गाड़ियाँ भी है 8 ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से भी गाड़ियाँ लेते हैं, जैसे रोज की 8-10 गाड़ियाँ निकालते हैं हम, तो वो अपनी गाड़ियों से पूरा नहीं आता, लेकिन अपनी गाड़ियों से वहाँ पे माल भेजते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी ज्यादा महंगी लगती है, तो एक बार मतलब पता करने से पता चल जाता है अपनी गाड़ी से क्या भाड़ा पड़ रहा है ठीक है। अच्छा, जो भाई वीडियो देख रहे हैं जो आपसे संपर्क करना चाहें तो मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर बता दिया? हाँ सर, मेरा नंबर है 95692 92792, इंग्लिश में बोल रहे हैं 9569292792। ये व्हाट्सअप भी है? व्हाट्सअप भी यही है ठीक है। कोई और अल्टरनेट नंबर देना चाहिए? वो मेरे भाई का नंबर है एक, आपको वो बता देते हैं। हाँ हाँ, वो बता दो। दोस्तों, जो भाई साहब ने जो नंबर बताया है, ये नंबर जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और यहाँ आके विजिट करके भी अपने सामने भी आप पैकिंग करा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी रहेगी ना? नहीं रहेगी सर, बिल्कुल। किसी भाई को अगर ये, हाँ, नंबर बोले, नंबर हो रहा है हमारा 7979732। हाँ, 06378 ठीक है जी। भाई दोस्तों, भाई का नंबर, ये दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर मैं इस पे डाल दूंगा स्क्रीन पे, और आप बात कर सकते हैं इनसे। उसके अलावा यहाँ खुद भी आके अपने सामने आप अपनी गाठे बनवा सकते हैं, और अपने सामने आप इस तरह से लोडिंग भी करवा सकते हैं। सर, हमने जो प्लांट एक हमारा जहाँ पे है ठीक है, हमने मध्य प्रदेश एमपी में भी लगाया है ठीक है जी, भोपाल से बदीशा रोड पे, सेम यही तूड़ी का ही है मतलब, यही अच्छा, तो हमने वहाँ पे जाके किया है। जो भाई साउथ इंडिया के हैं, हाँ, जैसे उनको लंबा पड़ता है, हाँ, तो वो वहाँ से भी ले सकते हैं, हम उधर से भी दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल से बदीशा रोड पे अपना प्लांट है ठीक है, बेरखेड़ी चौराहा पड़ता है, वहाँ पे अपना प्लांट है, वहाँ से दे रहे हैं माल, लेकिन इस बार वहाँ पे माल की कमी होने की वजह से हमें साउथ में भी जहाँ से देना पड़ा ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ये मैंने देखा कि फिर काफी सारे कस्टमरों ने आपसे मंगवाया है और काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये जो इस तरह का आइटम है ना, ये मैंने देखा कि ये इंडिया का फर्स्ट टाइम बन रहा है ये। हाँ सर जी, इंडिया में और कोई बना भी नहीं रहा है इतने बड़े लेवल पे, कोई नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये इसका आपको आइडिया कहाँ से लगा कि भाई ये इस तरह के तूड़ी की गाठे बनाई जानी चाहिए और ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाए? सर जी, पहले जैसे खुले तूड़े का काम करते थे ना ठीक है, तो जो हमसे भी भर के लेके जाते थे, हम भी बाद में हमने भी भरना चालू किया था, उसमें सर बहुत दिक्कत आ रही थी ठीक है। तो ये मशीन है ना, जो ये मशीन का हमने सोच के मतलब जुगाड़ कर करके अपना सेट किया है ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वो नहीं है कोई की जाए इसका प्रॉपर कोई डिजाइन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, बिल्कुल इनका अपना तजुर्बा ही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 1.5 क्विंटल की है, ये 1.5 क्विंटल की गाठ अकेला बंदा लुटका के लेके आया, और किस तरीके से ये सका रहा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे को सबसे बढ़िया ये लगता है एडवांटेज कि इसमें साफ सुथरा भूसा रहता है, कोई धूल मिट्टी नहीं जाती अंदर, और अगर बाय चांस आपके पास स्टोरेज की दिक्कत है अंदर इतनी, तो आप इसमें थोड़ी सी जगह में आप ज्यादा भूसा स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आपने खुले में भी रखना है तो इस तरीके से आप ऐसी डेरी लगा ले और उसके ऊपर तिरपाल डाल दो, कहीं खराब नहीं होता ये। बहुत अच्छा। सर ऐसा है कि जैसे 1 क्विंटल का खर्चा 100 रुपए आ जाता है बांधने का ठीक है, क्योंकि उसमें पत्ती लग जाती है जी, पत्ती लग गई, लेबर हो गई ठीक है, लाइट का खर्चा हो गया ठीक है, मोटरें चलती हैं,
बस ये चीजें मिला के 100 रुपए क्विंटल का बांधने का खर्चा आ जाता है। और जो तूड़ी का रेट है उसका क्या हिसाब रहता है तूड़ी का? सर कोई हिसाब नहीं है, सीजन में तो होता है कि एक रेट टिक जाता है। अच्छा जी। अब इस टाइम पे आके जैसे ये जनवरी फरवरी दिसंबर का महीना आ गया, ठीक है, इस टाइम तो सर हर हफ्ते का रेट होता है। ठीक है। अब तो ऐसी पोजीशन आई पड़ी है कि डेली का रेट है, डेली का रेट चेंज। कल हम 50 रुपए सस्ती ले रहे थे, आज 50 रुपए महंगी ले रहे हैं, रोज का 50-50 रुपए का फर्क पड़ रहा है। और अगर टिक जाए रेट तो बहुत देर टिका भी रहता है, जैसे पिछले साल टिका रहा था। ठीक है। पिछले साल कोई रेट नहीं बढ़ा था ज्यादा। ठीक है। तो अपने पास में जैसे पूरा साल अवेलेबल रहता है तूड़े? हाँ, अपने पास रहता पूरे साल, कोई भी कहीं से भी ऑर्डर करे तो आपको एनी टाइम मिल जाएगा। अच्छा, एडवांस का सिस्टम क्या रहता है, पेमेंट जैसे कोई बुकिंग करना चाहे? पेमेंट सर हम एडवांस ही डलवाते हैं, टोटल 100% एडवांस। ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसपोर्ट का होता है भी कि चलो जाके वहाँ पे दे देंगे, गाड़ी वाले को दे देंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। अपनी पेमेंट एडवांस ही करवाते हैं। और बुकिंग का सिस्टम क्या रखा है आपने? बुकिंग का सर अब जैसे पूरा तनाव चल रहा है कि ज्यादा माल निकल रहा है, इस टाइम हमने ऐसा रखा है कि जो हमें गाड़ी, जिसको गाड़ी चाहिए वो 5 दिन पहले बुक करवाए। ठीक है। हमारे पास 5 दिन की गाड़ियाँ एडवांस है। ठीक है जी। अच्छा, 5 दिन का एडवांस। मिनिमम टोकन मनी कितना डलवाते हो आप? मिनिमम सर 20,000 डलवा रहे हैं। 20,000 गाड़ी का भाड़ा ही लगाना होता है हमको, वो गाड़ी वाले को ट्रांसपोर्ट को बोल देते हैं कि भाई इस दिन कीजिए गाड़ी बुक कर दो। ठीक है। क्योंकि उसमें सर पहले क्या होता था कि जब कोई जैसे किसी ने गाड़ी बुक करवा दी, हाँ जी, हम बोलते थे चलो पेमेंट डाल देना, गाड़ी भर जाती थी, गाड़ी भरने के बाद बोल देते थे नहीं भाई हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो खुला भूसा मिल गया, जे मिल गया, वो पंगा हो रहा था, इसीलिए हमने फिर 20,000 रुपए रख दिया, फिर ही गाड़ी बुक करते हैं। मिनिमम 20,000 रुपए ऑर्डर। ठीक है भाई। जिस तरह से आप ये जो गाड़ी देख पा रहे हैं, ये लगभग अभी कहाँ जा रही है गाड़ी? सर ये गाड़ी अभी यूपी में जा रही है। और लगभग क्या भाड़ा है इसका? सर मतलब जैसे आगरा का भाड़ा इसका लग रहा है 28,000। ये आगरा जा रही है? आगरा जा रही है। ठीक है। आइए, आपके पास जो भूसे का जो ढेर है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हो कि आपके पास में किस क्वालिटी की तूड़ी रहती है जो आप ये पैक करते हैं? अंदर की तूड़ी मंगवाते हैं, गैराज के अंदर की। गैराज में रखी हुई है ना, जिस तरह ये गैराज बना हुआ है इस तरह से ही बिल्कुल एकदम अंदर की तूड़ी रहती है। ये बाहर जो लोगों की आता है जैसे पानी आती है रहती है, लेकिन हम अंदर का माल ही लेते हैं। जैसे लोगों के पास बाहर रखा होता है ना, जी जी, दो माला माल नहीं। ठीक है। और इस तरह से लोडर से आप ये अंदर में डाल के और मशीन में डल जाएगा? मशीन में डल जाएगा। ये आप सामने देख रहे हैं, ये अभी गांव से आए हैं ट्रैक्टर और एक एक खाली हो चुका है और इस तरह से पूरा एकदम पूरा ढेर आप देख रहे हैं और मेरे पीछे भी पूरा ढेर है। तो यहाँ पे काफी इनका बल्क में काम है डेली की। वैसे आप लगभग कितनी गाड़ियाँ अभी लोड कर रहे हैं डेली की? सर अभी कर रहे हैं हम 8 से 10 गाड़ियाँ। 8 से 10 गाड़ियाँ ऐसी बड़ी बड़ी पूरी। तो एवरेज 10 टन की गाड़ी एवरेज होती है, ज्यादा की हो रही है? बस आप 1,000 क्विंटल का मान लो कि 1,000 क्विंटल निकाल रहे हैं हम, 1,000 क्विंटल डेली का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इन फ्यूचर में और क्या प्लान है आपका? यही प्लान है सर कि अगले साल के लिए हमने मशीनें बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है। खुद ही बना रहे हैं, लगे हुए हैं आदमी काम पे। अगले साल के लिए हम जो 1,000 क्विंटल वाला जो है हमारा, 2,000 क्विंटल का प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, डबल डिमांड के हिसाब से, क्योंकि अभी डिमांड ज्यादा है। डिमांड तो सर इसकी कभी तो बहुत रहती है, कई बार कम भी रह जाती है। बिल्कुल। तो जैसे डिमांड में आके जरूरत पड़ती है मशीनों की। जो आदमी जैसे जो भी डेयरी वाला है या कोई है जिन्होंने एक बार गाड़ी मंगवाई है, तो रिपीट ऑर्डर कितने आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं सर। जिसने हमारा माल लिया वो खुला माल वर्त ही नहीं रहा है, वो तो यही बोल रहा है कि नहीं भाई गांठ वाला ही है। और हमारा माल जो आम खुले माल से 100 रुपए महंगा भी बिक रहा है, जो बांधने का हमारा खर्चा आ रहा है, ठीक है, वो महंगा बिक रहा है। और किराया इसमें उसमें खुले माल से कम पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर इसमें इसी गाड़ी में अगर वैसे खुला भरे तो अंदर जैसे जो बॉडी के अंदर ये जो लगा है कितना आएगा? 30 क्विंटल आएगा। 30 क्विंटल। और अब कितना होगा? 110 क्विंटल। 110 क्विंटल, बहुत ज्यादा फर्क है इसमें, 3 गुना फर्क है। 3 गुना में 30 क्विंटल में लेबर बहुत लगेगी सर। बिल्कुल। उसको लतर लतर के लोडिंग और अनलोडिंग का भी पैसा लगेगा, है ना? इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ये एक टाइम बस धक्का देना ऊपर से। अब ये गाड़ी जो है ना, ये कितनी देर में खाली हो जाएगी सर? अगर आदमी दो आदमी जैसे थोड़े ताकतवर हैं तो जल्दी धक्का मार देंगे इसको, धक्का मार के खाली करनी है, उठा उठा के फेंकने नीचे, आधे घंटे में कर देते हैं। आधे घंटे में हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और स्टोरेज की भी दिक्कत नहीं है, समझ लो अगर इतना बड़ा गिरने से ये टूटती नहीं है, जैसे ऊपर से गिरेगी ना, हाँ। थोड़ा बहुत इसमें से भूसा जैसे निकल जाएगा, बाकी कोई गिरने से टूटेगी नहीं ये। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और इसका ये एडवांटेज है कि अगर इतना बड़ा किसी के पास समय कोई गैराज है तो इसमें आपका 10-12 क्विंटल 10-12 टन माल आराम से आ जाएगा और आपका साल भर आराम से निकलेगा, है ना? बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई दोस्तों, ये आपने सारे इन्फॉर्मेशन आज आपने देखी सुनी, और किस तरीके से यहाँ पे थोड़ी लोडिंग हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे गाठें बन रही हैं, और किस तरीके से यहाँ पे हम लोग ये जो तूड़ी की जो गाठे बन रहे हैं, और हम मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ अलग चीज़ दिखाऊं आप भाइयों को। ये जो वीडियो है ये इंडिया में पहली बार मतलब मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब दिखाई है। इस तरह की गाठे कोई बना भी नहीं रहा है, ये हमारे पंजाब बेल्ट में बना रहा है भाई। और अमरीक भाई बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं कि क्योंकि जो पशुपालक है उनको तूड़ी की काफ़ी दिक्कतें होती है ऑफ सीजन में, जब सीजन अब जैसे जब गेहूं की कटाई होती है उस टाइम पे तो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन कोई आदमी अब कितना स्टोर कर पाएगा। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप सामने देख पा रहे हैं, ऐसे खुले को बिल्कुल इस तरह की एक दो गांठ भी बनाया कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप अगर भूसे को कम जगह में ज़्यादा भूसा स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह की गांठें मंगवाएं, और अपना जो आपका जो जगह है उसके भी आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय भारत।